सिमर बनकर घर घर में फेमस हुई एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ एक बार फिर से चर्चा में हैं, और इस बार उनके सुर्खियों में रहने की वजह कुछ और नहीं बल्कि प्रेगनेंसी है। दीपिका अपनी प्रेगनेंसी पीरियड को एंजॉय कर रही हैं, पति शोएब भी अपनी बीवी का बहुत ध्यान रख रहे हैं, लेकिन प्रेगनेंसी में दीपिका काफी अनहेल्दी चीजें खा रही हैं, जिसे लोगों ने बहुत बार नोटिस किया। अब यूजर्स ने शोएब से सवाल करते हुए कहा कि वो दीपिका का ख्याल नहीं रख रहे। दरअसल शोएब ने इंस्टाग्राम पर क्वेश्चन आंसर सेशन किया, तभी एक यूजर ने उनसे पूछा कि दीपिका प्रेगनेंसी के दौरान अनहेल्दी चीजें क्यों खा रही हैं? क्या उन्हें बच्चे की परवाह नहीं है? जिसका जवाब देते हुए एक्टर ने कहा कि हर माँ अपने बच्चों की परवाह करती है, दीपिका के लिए सभी खाने पीने की हेल्थी चीजें मौजूद हैं, और फिर वो प्रेग्नेंट है, जो दिल करता है खाती हैं। वो इस समय को एंजॉय कर रही हैं और खुश रह रही हैं। एक फैन ने उनसे उनके अगले प्रोजेक्ट के बारे में पूछा तो शोएब ने कहा कि फादरहुड जल्द आ रहा है इंशाअल्लाह। बता दें कि पिछले साल दीपिका का मिसकैरेज हुआ था। कपल के मुताबिक पिछले साल फरवरी में दीपिका का मिसकैरेज हो गया और इस बात से वो काफी टूट चुकी थी। उस वक्त बड़ी मुश्किल से शोएब और उनके परिवार वालों ने दीपिका को संभाला। जब शोएब को दीपिका की प्रेगनेंसी की बात पता चली तो वो खुश होने के साथ साथ डरे हुए भी थे, क्योंकि एक बार पहले भी उनका सपना टूट चुका था। दीपिका शोएब ने 3 महीने तक ये बात छिपा कर रखी। हाल ही में दीपिका ने अपने ब्लॉग में बताया कि उनके लिए 3 महीने भी काफी मुश्किल रहे। उन्हें हल्की ब्लीडिंग होने लगी, यही नहीं उन्हें डॉक्टर ने बेड से नीचे उतरने से भी मना कर दिया। दीपिका ने कहा कि वो इतना डर गई थी कि उन्होंने तो अपनी सासू माँ से भी प्रेगनेंसी की बात छिपा कर रखी। फिलहाल दीपिका ठीक है और अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कर रही हैं। इससे पहले दीपिका ने अपने कई ब्लॉग्स में बताया है कि उन्हें कई हेल्थ इश्यूज हैं, लेकिन फिर भी उन सबको रिकवर करते हुए अब वो जल्द ही माँ बन जाएंगी। वैसे भी दीपिका ने अपनी पर्सनल लाइफ में कई दुख झेले हैं। दीपिका ने 2 शादी की, एक्टर शोएब इब्राहिम उनके दूसरे पति हैं। दीपिका ने पहली शादी की थी रौनक से। दीपिका ने अपनी शादी के बाद काफी देर तक छिपा कर रखी। दरअसल एक्ट्रेस बनने से पहले दीपिका एयर होस्टेस की जॉब करती थी। इसी दौरान उनकी मुलाकात रौनक से हुई और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और दीपिका ने उन्हें अपना हमसफर बना लिया। साल 2013 में इनकी शादी हुई और साल 2015 में तलाक। दीपिका ससुराल सिमरका में शोएब इब्राहिम के साथ काम करती थी, तो ऐसे में उनके अफेयर की खबरें काफी सुनने को मिलने लगी थी। उस वक्त खबरें आने लगी थी कि दीपिका और शोएब सेट पर एक पल भी एक दूसरे से अलग नहीं रहते। बस यही सब खबरें रौनक को परेशान करने लगी और वो नेगेटिव होते चले गए। दीपिका अपनी पहली शादी टूटने से काफी परेशान थी और उस वक्त उन्हें शोएब ने संभाला, वो भी एक दोस्त की तरह। फिर साल 2018 में दीपिका और शोएब ने शादी की थी। शोएब से निकाह के लिए दीपिका ने इस्लाम कबूला था। उनका नाम भी बदलकर फैजा रखा गया था। हालांकि एक्ट्रेस अपना ये नाम प्राइवेट ही रखती हैं। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।